हाय गाइस, मेरा यूट्यूब चैनल फैंटेसी एबिलिटी 11 पे आपका स्वागत है। आज मैं ड्रीम 11 में फुटबॉल की टीम प्रोवाइड करूंगा। जो अपकमिंग जो मैच है क्लब फ्लैंडर्स की मैच है, जो है मेलबोर्न विक्ट्री एफसी और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच जो मैच है, मैं उसी का ही टीम प्रोवाइड करूंगा गाइस। तो मेरे साथ ये वीडियो लास्ट तक देखिए। मैं जो भी अपडेट दूंगा, जो भी सजेस्टेड प्लेयर के बारे में बोलूंगा, आप उसके हिसाब से खुद का भी टीम बना के जा सकते हो। तो गैस, आज का मैच जो डिटेल्स रहेगा, मेलबोर्न विक्ट्री और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच मैच है, जो क्लब फ्लैंडर्स मैच। आज में ये मैच स्टार्ट होंगे यहाँ पर से, जो इंडियन टाइम 3:30 बजे से। मैच का जो प्रीव्यू रहेगा, जैसे यहाँ पर से जो मेलबोर्न विक्ट्री एफसी और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच जो आज मेलबोर्न के ग्राउंड पर खेला जाएगा, जो मेलबोर्न विक्ट्री का होम ग्राउंड है, और मेलबोर्न विक्ट्री अपने जो पिछले मैच जो वेस्टर्न यूनाइटेड के साथ 4-1 से हारे थे, और जिनमें से जैक ब्रीमर ने एक गोल दागे थे, और मैनचेस्टर यूनाइटेड जो उनका पिछले मैच में लिवरपूल के साथ प्रैक्टिस मैच में 4-0 से जीता था, जिनमें से सैंचो, फ्रेट, मार्शियल और फकुंदो गोल दागे थे। तो यहाँ पर से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो सकते हो गाइस, यहाँ पर से मैं फाइनल टीम अपडेट कर दूंगा। यहाँ पर से मेलबोर्न विक्ट्री का जो आज का मैच प्लेइंग 11 हो सकता है, जैसे गोलकीपर पर रह सकते हैं इज्जो, डिफेंडर पे रहेंगे स्पिरानोविच, डोडरिक मिरेंडा, जैसन गेरिया और जॉर्ज थीमेथ्यू, जिनमें से यहाँ पर से गेरिया काफ़ी अच्छा चॉइस रहेगा। उसके बाद मिडफील्ड पे रहेंगे जैक ब्रीमर, जॉर्ज ब्रिलियंटी, एल एडम्स और लुक प्रासो, ये 4 खिलाड़ी रहेंगे, जिनमें से यहाँ पर से ब्रीमर, ब्रिलियंटी काफ़ी बेहतरीन चॉइस है। उसके बाद दो स्ट्राइकर रहेंगे नानी और मार्को रोजर्स, जिनमें से नानी न्यू रिक्रूटमेंट है, यहाँ पर से अमेरिकन प्रोफेशनल लीग से आया है, और ये काफ़ी बढ़िया चॉइस रहेगा। नानी काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, उनमें से मार्को रोजर्स भी अच्छा है। तो आज का मैच स्टार्ट करेंगे। तो मेलबोर्न विक्ट्री का 4-5 खिलाड़ी या 6 खिलाड़ी ऐसा है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आज के मैच के लिए, जैसे स्पिनोविच, जैसन गेरिया, ब्रीमर, ब्रिलियंटी, नानी और रोजर्स, ये 5-6 खिलाड़ी ऐसा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के मैच के लिए। उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो प्लेइंग 11 हो सकता है, जैसे गोलकीपर पे रह सकते हैं डेविड डी गिया, राइट बैक पे डेलॉट, यहाँ पर से सेंट्रल डिफेंड पे लुक शाओ, विक्टर लिंडेलॉफ और यहाँ पर से राफेल वेराने आज का मैच स्टार्ट कर सकता है, जिनमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट चॉइस रह सकता है डेलॉट, वेराने काफ़ी बढ़िया चॉइस है। और उसके बाद मिडफील्ड पे रहेंगे फर्नांडेस, ब्रूनो फर्नांडेस, फ्रेट, विक्टर मिनॉय, जैडन सैंचो आज का मैच स्टार्ट करेंगे। फर्नांडेस काफ़ी अच्छा चॉइस रहेगा, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। फ्रेट पिछले मैच में गोल दागे थे लिवरपूल पे विरुद्ध, काफ़ी बढ़िया चॉइस है। विक्टर मिनॉय का परफॉर्मेंस पिछले मैच में अच्छा था, जैडन सैंचो ने एक गोल भी दागे थे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। दो स्ट्राइकर रहेंगे मार्कस रैशफोर्ड और एंथनी मार्शल, इनमें से एंथनी मार्शल जो पिछले मैच में गोल दागे थे, जो काफ़ी बढ़िया चॉइस हो सकता है। कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से जो आज का मैच काफ़ी अच्छा खेल सकता है, जैसे डेलॉट, वेराने, फ्रेट, विक्टर मिनॉय, जिसेंचो, रैशफोर्ड, मार्शियल, ऐसा खिलाड़ी है जो काफ़ी अच्छा मैच आज का मैच खेल सकता है। तो गाइस, अब मैं टीम क्रिएट करूंगा मेलबोर्न विक्ट्री एफसी और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच जो मैच रहेगा। फर्स्ट यहाँ पर से गोलकीपर का जो चॉइस यहाँ पर से होंगे, दो गोलकीपर चॉइस होंगे, एक है डेविड डी गिया और एक है इज्जो, ये दो चॉइस पे आप जा सकते हो। जिनमें से यहाँ पर से डेविड डी गिया को मेरे टीम में पिक करूँगा। डिफेंडर ऑप्शन पे यहाँ पर से मैं थोड़ा थोड़ा चेंज करके जाऊँगा, जैसे यहाँ पर से वेरेनो को पिक करूँगा, उसके बाद लिंडेलॉफ को पिक करूँगा, और यहाँ पर से आपके पास चॉइस स्पिरानोविच, लुक शाओ काफ़ी बढ़िया चॉइस हो सकता है। यहाँ पर से मैं यहाँ पर से डेलॉट को पिक कर सकता हूँ, यहाँ पर से मिलेरॉफ को छोड़ रहा हूँ, डेलॉट को पिक कर रहा हूँ, और यहाँ पर से पिक करूँगा और एक खिलाड़ी को, जैसे यहाँ पर से गेरिया काफ़ी बढ़िया चॉइस रहेगा मेलबोर्न विक्ट्री की तरफ से। मिडफील्डर चॉइस यहाँ पर से ब्रूनो फर्नांडिस को पिक करूँगा, ब्रिलियंटी के साथ जाऊँगा, सैंचो को पिक करूँगा, उसके बाद ब्रीमर के साथ जाऊँगा और एक खिलाड़ी को पिक करूँगा, यहाँ पर से फ्रेट को पिक करूँगा। आप यहाँ पर से चॉइस कर सकते हो विक्टर मिनॉय, एडम्स को आप अपनी टीम में पिक कर सकते हो। स्ट्राइकर ऑप्शन पे यहाँ पर से पिक करूँगा नानी को, जो नया रिक्रूटमेंट हुआ है, काफ़ी अच्छा चॉइस हो सकता है। उसके बाद मार्शल को पिक करूँगा मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से। अदर चॉइस पे यहाँ पर से आपके पास हो सकता है रैशफोर्ड और रोजर्स, और यहाँ पर से और एक स्ट्राइकर हो सकता है आपके पास,
जैसे फकुंडो पेलेस्ट्री, इसको आप ले सकते हो आज का मैच स्टार्ट करेंगे। पिछले मैच में एक गोल दागे थे, तो लाइनअप के बाद मैं डिसाइड कर दूंगा गाइस। तो गाइस अभी तक ये मेरा टीम रहेगा, कैप्टन वाइस कैप्टन का सेक्शन आएगा। यहाँ पर से काफ़ी बढ़िया चॉइस रह सकता है ब्रूनो फर्नांडिस, यहाँ पर से जॉर्डन सैंचो, यहाँ पर से फ्रेड काफ़ी बढ़िया कैप्टन वाइस कैप्टन। अदर चॉइस पे मार्शियल, ब्रिलियंट, बीमर, नानी, ये काफ़ी सारे चॉइस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कैप्टन वाइस कैप्टन के। फिराने ग्रैंड लीग चॉइस पे काफ़ी बढ़िया चॉइस हो सकता है। तो गाइस अभी तक ये मेरा कैप्टन चॉइस रहेंगे, जैसे सैंचो को मेरे टीम में कैप्टन बनाएंगे और फर्नांडिस को मेरे टीम पे वाइस कैप्टन बनाएंगे, ऐसे चॉइस पे मैं जा सकता हूँ। ये मेरा यूट्यूब चैनल का टीम रहेगा, टेलीग्राम चैनल का टीम में फाइनल पे अपडेट दे दूंगा मैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। गाइस ऑल द बेस्ट आज के मैच के लिए, आप हेड टू हेड खेलिए, स्मॉल लीग खेलिए, ज़्यादा से ज़्यादा विन करें। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कुछ जानने के लिए जरूर कॉमेंट कीजिए, मैं कॉमेंट का रिप्लाई दूंगा। ऑल द बेस्ट गाइस आज के मैच के लिए, बाय बाय।